अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक अक्वेरियस वालों का कैसा गुजरेगा, 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक अक्वेरियस वालों का कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलों में बेहतरी है और किन मामलों में इनको एहतियात बरतनी चाहिए, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप अक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ सीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आप भी अक्वेरियस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। अक्वेरियस वालों के फर्स्ट हाउस के अंदर 5 स्टार्स हैं और इस वीक के अंदर इनके साथ ख़ास तौर पर क्या होने जा रहा है मैं इसमें एक इनको रेमेडी भी बताऊँगा, इसलिए कि ये वीक इनका बहुत ज़्यादा एक अहम वीक है ये सारे ही एक्वेरियस वालों का। उसकी वजह ये है कि इनके जो फर्स्ट हाउस के अंदर ये 5 स्टार्स हैं, ये काफ़ी सौ साल के बाद इनके पहले घर के अंदर ये स्टार्स जमा हुए हैं। उसकी वजह से इनके जो हालातों में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी, इनके साथ अजीब व गरीब वाकया ज़रूर होंगे। यहाँ पर इस वक्त इनके फर्स्ट हाउस के अंदर वीनस है, मरकरी है, सैटर्न है, जुपिटर है और सन है, मतलब कि यहाँ पर ये 5 स्टार्स हैं। और जो आने वाले वक्त के अंदर मून ने भी इधर आ जाना है, लेकिन मून ने अगले वीक में आना है। यहाँ पर मैं 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपके साथ होने क्या जा रहा है, इसलिए कि अगर आप इस वीक से यकीनी तौर पर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत आपको अपने अंदर भी चेंजिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत आपको अपने मामलात में भी तब्दीली लानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि अक्वेरियस वालों के जो फर्स्ट हाउस में सूरज है, इसने एक बैड नज़र मुकम्मल करनी है 1 फरवरी को, इसने एक बैड नज़र मुकम्मल करनी है अपने 4th हाउस में मरीज के साथ, और जहां पर यूरनस भी है, जिसकी वजह से इनके कुछ मामलात में गड़बड़ हो सकती है। घरेलू मामलात के अंदर इनको एहतियात बरतनी है, ख़ास तौर पर आपने अपने वालदैन के साथ बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताद से चलना है, मतलब कि अपने वालदैन की बिल्कुल भी गुस्ताखी नहीं करनी। जिन अक्वेरियस वालों की वालदैन हयात है, वालिद और वालदा दोनों हयात है, इनको बहुत ज़्यादा इस वक्त में तहम्मुल मजाजी से चलना है और हमेशा बात करते हुए सोच समझ के बात करनी है। इसलिए कि अगर आपने इस वीक के अंदर ये चीज़ अपना ली, अपने बड़ों की इज़्ज़त की और बड़ों का कहना माना, तो मैं यहाँ पर आपको 1000% ये कहता हूँ कि आपके हालातों में इतनी को बेहतरी आ जाएगी, आपके मामला इतने को बेहतर हो जाएंगे कि आपको ज़िंदगी के अंदर किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर एक योग लग रहा है, इतने ज़्यादा स्टार्स जमा हो रहे हैं और वो अक्वेरियस वाले ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं जो अपने से बड़े लोगों की इज़्ज़त करते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे वो आपके बहन भाई हैं या आपसे उम्र में बड़े हैं। आपको अपने बड़ों की इज़्ज़त लाजमी करनी है और आप फिर देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से फ़ायदा देता और कहाँ कहाँ से नवाजता। उसकी वजह एक और ये है कि जैसे ही 9th हाउस में मून आएगा, इसने आपके 1st हाउस के साथ 4 टाइम एक अच्छी नज़र बनानी है, जिसकी वजह से आपके बरूने मुल्क के मामला, आला तलीम के मामला, कानूनी मामला में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी और आपके लक के मामला भी बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। सिर्फ और सिर्फ इस वीक के अंदर जो कमरदर अकरब है, हर दफ़ा की दफ़ा जो ये कमरदर अकरब आपके 10th हाउस में होता है, ये कमरदर अकरब होने की वजह से उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है जो लोग अपना काम काज करते हुए सोच समझ के काम काज नहीं करते, या हर काम करने में जल्दबाजी हो जाती हैं, या उनका रवैया लोगों के साथ सही नहीं होता। अगर आपका रवैया लोगों के साथ सही है तो आपको फिर ये कमरदर अकरब कुछ नहीं कह के जाने वाला, इसलिए कि इस वक्त आपके जो स्केच के अंदर, आपके जायचे के अंदर इस वक्त 5 स्टार्स हैं और इस वक्त सूरज भी है, सूरज ने हर मामले को आपके संभाल लेना, हालांकि बाकी सितारे गुरूब में हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या है, हर मामले को करते वक्त सिर्फ एक दफ़ा सोचना है, जल्दबाज नहीं होना, जज्बाती नहीं होना और अपने से बड़े लोगों का एहतराम करना और अपनी ज़बान को ऐसे कंट्रोल करके रखना। अगर किसी की बात आपको कोई बुरी भी लग जाती है तो आप दर गुजर कर लें, आपके लिए ही ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। उसकी वजह यह है कि जो 6th हाउस का जो आपका हाकिम सितारा है वो मून है,
यहां पर जब कमर दर्द अकरब होगा ये 2.5 दिन का होगा। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो कमर दर्द अकरब की बनाई है, मैं उस वीडियो का लिंक नीचे पेश कर दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कमर दर्द अकरब का कितना दुरानी है और आपको सदका क्या देना चाहिए। इसलिए कि आप ख़ास तौर पर जो कमर दर्द अकरब हो रहा है इसके अंदर कोई भी ज़रूरी काम ना करें। अगर आपने कोई भी ज़रूरी काम इसके अंदर किया तो एक तो वो काम होना भी नहीं और फिर आपके साथ सालों साल उसकी नहुसत। एक और चीज़ बता दूं कि जब मून ने आपके 11th हाउस में आना है, रात को 10:15 PM पाकिस्तान का टाइम होगा, इसने आपके 11th हाउस में आना है, तो इसने आपके 5th हाउस के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है। ये अच्छी नज़र बनने की वजह से आपको अल्लाह के फजल व करम से उस जगह से फ़ायदा मिलता हुआ आएगा जिस जगह से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैंने सिर्फ आपको इस वीडियो के शुरू में ही बता दिया कि आपने क्या करना और किस तरह आपने अपने मामलात को सॉल्व करना है। वैसे भी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर ये तरीका अपना लें तो अल्लाह के फजल व करम से आपके मामलात में फिर उस तरीके से ख़राबी नहीं हो सकती। उसकी वजह यही है कि अक्वेरियस वालों के जो 1st हाउस में जब सूरज होता है तो सूरज एक नाकिस पोजीशन में होता है, वो इतनी कोई अच्छी पोजीशन में नहीं होता, लेकिन उन लोगों के लिए बेहतर होता है जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर सूरज एक अच्छी नज़र बना रहा हो, मुश्तरी के साथ बना रहा हो, मरकरी के साथ बना रहा हो या मरीख के साथ जायचे ही देख के पता चल सकता है कि आपके पैदाइशी जायचे के अंदर सूरज किसके साथ एक अच्छी नज़र बने। सालों साल से परेशान है, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएँ। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो रेमेडीज़ करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है लेकिन आप लोगों की बेहतर रहनमई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।